हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चीला, मूंग दाल की चीला है। वैसे मैं ज़्यादा मूंग दाल शोक कर रही थी, बट मैं दो चीला के लिए ही मैंने ग्राइंड किया है, क्योंकि लास्ट टाइम में ना चार पांच चीला ऐसे ज़्यादा बना दी थी, तो इतना पेट फुल हो गया था ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है और टेस्टी लगता है, तो मन करता है खाते जाओ। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला मैंने निकाल ली हूँ और ये सेकेंड वाला भी मैं डाल रही हूँ। तो ज़रा सा ऑयल में मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ तवे पर, उसके बाद उसको मिला ली। और ये जो आप देख रहे हैं ना घोल, इसमें दो बन जाएगा, एक बन जाएगा, देखती हूँ। तो इसको मैं मिक्स कर रही, इसमें प्याज और हरी मिर्च यही सब मैं कट करके डाल दी थी। बहुत टेस्टी लगता है, मेरा तो फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं सोची ना पहले एक दो बना देती हूँ, फिर मैं चलो मोटा सा मैं एक ही बना देती हूँ, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगने वाला है, थोड़ा सा इसमें पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और दूसरा बनाऊँगी तो और ज़्यादा हो जाएगा टाइम। तो बस यहाँ पे इसको स्प्रेड कर दे रही हूँ अच्छे से, और ढक के पकाऊँगी इसको मैं। एक साइड से सिक जाएगा, फिर इसको मैं पलट दूँगी। और एक साइड में मैं दाल भी रख दी हूँ दोपहर के लिए, सुबह सुबह दाल बन जाए तो बस राइस बनाना रहेगा मुझे आपके लिए। चीला कैसा लगता है? यम्मी यम्मी, अश्वर्ष को यम्मी यम्मी चीला लगता है। और अभी मॉर्निंग के देखिए 10:10 हो रहे हैं, 5 मिनट फास्ट रहते हैं हमारा घड़ी, और हमारा ये ब्रेकफास्ट एक ये और एक बना रही हूँ, वो मैं खाऊंगी। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, लंच बन रहा है मेरा, और अश्वर्ष बना रहे हैं यहाँ पे होमवर्क। और होमवर्क बनाते बनाते ना ये लगता है आराम करने, देखिए। और इसका मैं इरेजर और शार्पनर दोनों छिपा दी हूँ, कि बस उसी में बिजी हो रहा था, होमवर्क नहीं बना रहा था। अभी भी सारे मसाले मैंने बाहर डाले हूँ, क्योंकि ना पता ऐसा लग रहा था कि मसाले में धूप लगाना ज़रूरी है, मतलब मसाले किचन के जो भी सामान थे ना सबको मैंने यहाँ पर रख दिया है बाहर, ये आप देख सकते हो ना, ये देख रहे हो ना, सारे मैंने सब चीज़ बाहर, जितने डब्बे थे ना किचन के, सब मैं ऐसे निकाल के रख दी हूँ बाहर, क्योंकि धूप लग जाए, ऐसा लग रहा था कीड़े वड़े ना लगे, तो कीड़े हैं नहीं, बट मैंने बाहर रख दिए। गद्दे भी आज मैं बाहर डाल दी हूँ कि थोड़ी धूप लग जाए, धूप बहुत कड़क है, पैर जल रहा है इधर निकलने पर। और इस ये सब सामानों में भी थोड़ी धूप लग जाएगी तो फ्रेश हो जाता है, किचन के सामानों में वैसे भी पता है धूप लगाते रहनी चाहिए। गद्दा भी मैंने अभी अभी डाला है, पहले ध्यान रहता तो मैं सुबह सुबह इतनी तेज निकली ना 8 बजे से, तो उसी समय सुबह ही डाल देती, अभी 12:15 हो रहा है, चलो इसी टाइम डाल दी, कोई बात नहीं। और स्पर्श होमवर्क बन गया आपका? हाँ, फाड़ क्यों रहे कॉपी? ये देखो फाड़ रहा है वो, ये नहीं फाड़ते, नहीं फाड़ते। लग गई है, जा रही हूँ पानी पीने, थोड़ा सा धूप में गई, इतनी तेज प्यास लगी। चीला बनाई थी ना, चीला इतना ज्यादा, इतना यम्मी यम्मी चीला बना था कि पूछो नहीं, बहुत टेस्टी बना था। और मुझे मूंग दाल के चीले बहुत पसंद है, स्पर्श को भी पसंद है। मैं पहले यहाँ से पानी निकाल के खड़े होके पी लेती थी, लेकिन जब से आप लोगों ने बोला ना कि बैठ के पानी पिया करो, तब से मैं सोचती हूँ कि चलो यार बैठ के ही पानी पीती हूँ। वैसे मैंने भी सुना है, मम्मी लोग भी बोलते हैं कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बट होती है ना कि जल्दी जल्दी में हम पी लेते हैं पानी। और अभी मैं बाहर आ गई हूँ, ये सारे सामान जो धूप में रखी थी ना 3-4 घंटे हो चुके थे, तो मैं सोची कि चलो अब मैं इसको डब्बे में डाल देती हूँ। और जब भी डब्बा खाली होता है तो मैं वॉश कर दिया करती हूँ, तो इसे साफ भी रहता है, बार बार ऐसे नहीं लगता कि इकट्ठे सारे मुझे धोने नहीं पड़ते हैं। तो ये पाव भाजी मसाला था, मैगी है थोड़ा सा, और ये है मम्मी ने भाई से भिजवाया था ना जो सत्तू चने की, वो भी था, उसको भी मैं धूप में रख दी हूँ, बट मेरे को ऐसा लगा ना कि चींटियाँ लग गई क्या, तो मैं अभी अंदर ले जाकर उसको रखूँगी। और इसमें थोड़े मसाले भी, ये तो मम्मी ने दिए थे, अभी तक चल रहे हैं सच में, मतलब उस टाइम पे दी ना जब घर से आई थी मैं, मार्च अप्रैल स्टार्टिंग में, उस टाइम से ये चल रहे हैं। तो अभी भी पूरा बहुत सारे मसाले मेरे पास अभी रखे हुए हैं, कितने दिन चल गए, मम्मी का मतलब जो होता है ना कि मेहनत, वहाँ से दी, वहाँ से लेके आई, वो सारा सफल हो गया। और इतने दिन हम लोगों ने मसाले खा लिए, उसके बाद सारे कपड़े यहाँ पर मैं उठा के लेके जाऊँगी अंदर को। और आज धूप इतनी ज़्यादा थी कि पैर चल रहे थे, और मैं बिना स्लीपर के मैं बाहर निकल गई थी। अरबी के पत्ते देखिए, धूप की वजह से ना थोड़े से बारिश होती है तो सारे जो पौधे होते हैं हरे भरे रहते हैं, नहीं तो सूखने सूखने से लगते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद ना शाम हो जाएगा तब मैं प्लांट्स में सारे पानी डालूंगी, और उसके बाद अभी मैं अंदर आ गई सारा कुछ, उसके बाद ये ना शाम का टाइम था, ये ऑफिस से आ चुके थे, हाँ आ चुके थे, और मैं अभी बनाने जा रही हूँ इनके लिए बड़े मूँग वाले। तो इसमें मैं उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर ली थी मूँग दाल जो था, और थोड़ा खड़ा रखी थी, प्याज डाल दी हूँ थोड़ा सा, मैं इसमें नमक डाल दी हूँ, और उसके बाद हरी मिर्च डाल दी हूँ, खड़ा जीरा डाल दी हूँ, धनिया पत्ता है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और
ऑयल भी मैं रख दी थी गर्म होने के लिए, क्योंकि आ चुके थे और ये समोसे लेके आए थे, बट ये भी मैं भिगोई थी, तो मैं सोची कि चलो बना लेती हूँ, क्योंकि शाम शाम को ऐसे दो जब इनकी दूसरी शिफ्ट रहती है तो मैं तो कुछ इनके आने के बाद बना नहीं पाती हूँ, यही होता है ना मौका जब मैं इनको अच्छी अच्छी चीज़ें खिला सकूँ बना के। शाम का टाइम मैं भी फ्री रहती हूँ, तो यहाँ पर सब कुछ मिक्स करने के बाद ना एक मैं बॉल बना के इसमें डाली, बट ऐसा लगा कि नहीं इसमें ना बेसन की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बेसन भी मिक्स करके उसके बाद फिर मैं इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट बैच में यहाँ पे फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ, और एक साइड में जब सिक जाएगा बहुत टेस्टी लगता है ये भी, लेकिन मॉर्निंग टाइम में हमने चीला खा लिया था, बट इनके लिए इसमें से हम लोग भी खा लेंगे, इतना ज़्यादा है कि हम लोग भी एक दो खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्राई हो चुका है, टिश्यू पेपर पे मैं इसको निकाल रही हूँ। फिर बने क्रिस्पी क्रिस्पी बनाए हैं मूंग दाल के बड़े, चलिए खा लेते हैं इसको। आ जाओ स्पर्श, आओ आओ आओ, पापा से पहले स्क्वॉश खाएगा। क्या है बेटा, क्या खाना है आपको? मामा सब्जी बना रही है ना? क्या बिस्किट बोलते हैं और चिट नहीं बोलते हैं, बिस्किट। मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर, अभी मैं बस ऑन की हूँ गैस को, और प्याज में कट कर रही हूँ, स्क्वॉश अपना गिटार बजा रहा है, और इसमें मैं दो प्याज एक टमाटर डालूंगी। प्याज को इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ, जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी ग्रेवी के लिए ना प्याज वगैरह भून लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो शिमला मिर्च वगैरह फ्राई करना है, एक शिमला मिर्च मेरे पास था, मैं देखती हूँ अगर एक और डालना है तो डाल देती हूँ, क्योंकि ये सब्जी लेके आ चुकी है, मैं निकाल के रख ली थी शाम को, ये दिख रहा है आपको, ये शाम को निकाल के रखी ली थी, और ये शिमला मिर्च हरी मिर्च टमाटर। तो यहाँ पे जिसमें कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, और फटाफट कढ़ाई पनीर में बना के रेडी कर लेती हूँ। तो इसमें मैं एक छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी मैं एक टुकड़ा डाली हूँ, वो अच्छे से जब भून जाएगा ना तब मैं और मसाले इसमें ऐड करूँगी। तो इसको मिक्स कर ले रही हूँ, थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं बना रही हूँ ना इसकी मुझे ग्रेवी तैयार करनी है, और लहसुन डाल दे रही हूँ, टमाटर डाल दे रही हूँ, और इसको अच्छे से भून के मैं सॉफ्ट कर लूँगी। जब प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसको मैं ठंडा करके इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। तो बहुत दिनों बाद कुछ मैं सोची कि चलो आज दो दो रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस ब्लॉग में मैं बना ही रही थी, तो यहाँ पे दूसरा ना जो स्क्वायर शेप में मुझे कट करना था शिमला मिर्च और प्याज सब्जी के लिए, वो भी मैंने तैयार कर लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, ये इनको बीच में थोड़ी खांसी आ रही थी तो मैं गर्म पानी वाला जग निकाली थी, तो ये मैं वॉश करके फिर अभी रख दे रही हूँ, क्योंकि गुनगुना जब ऐसे सर्दी खांसी हो तो गुनगुना पानी पियो तो ज़्यादा राहत दिलाता है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ना जो सत्तू थी जो मम्मी ने दिया था, उसको मैं अभी तक ऐसे ही डब्बे बड़े वाले डब्बे में रखी थी, बट अभी ये डब्बा खाली हो गया तो मैं इसमें भर दे रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना संभाल के रखो तो इतनी दूर से आया और इसकी केयर ना करो, रखो नहीं सही से, तो फिर क्या मतलब है ना, तो वो मैं भर के रख दी। और उसके बाद ये नॉनस्टिक की तवा मैं वॉश कर ले रही हूँ। पता है नॉनस्टिक की बर्तन अगर आप ना मतलब केयरफुली यूज़ करोगे अच्छे से तो वो ज़्यादा दिन तक चलते भी हैं, तो इसलिए मैं नॉनस्टिक की कढ़ाई वगैरह आप मतलब टाइम से वॉश करके और अच्छे से रख देती हूँ। यहाँ पर ना ये देखिए वो ग्रेवी तैयार कर ली, उसके बाद शिमला मिर्च प्याज मैं भून ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं रेडिश कर लूँगी उस मतलब थोड़ा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद इसको भून के मैं इसको निकाल ले रही हूँ। फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, अब बस आ गया टाइम अच्छे से लास्ट टाइम आ गया जो तैयार करना है सब्जी। तो यहाँ पे इसका कलर बहुत अच्छा आया सुनहरा सा, और इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, तो यहाँ पे धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, लाल मिर्च ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना तो मैंने ग्राइंड भी किया है उसमें हरी मिर्च को मसालों के साथ, तो इसलिए। तो यहाँ पे इसको भून लूँगी, ज़्यादा हमें ना तेल गर्म नहीं रहना चाहिए नहीं तो फिर ये मसाले जल जाते हैं। हल्दी पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद जो मसाले मैं ग्राइंड किए थे ना स्टार्टिंग वाले प्याज टमाटर वगैरह, उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और बहुत अच्छे से भूनना पड़ेगा, कम से कम मेरे को उसको भूनने में 10 मिनट लग गया था, क्योंकि भूनने से ही किसी भी मसालों का टेस्ट आता है नहीं तो फिर ऐसे कच्चापन सा रहता है। तो ये मसाले जब भून जाएंगे उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, तो बस थोड़ा टाइम इसको देना पड़ेगा मुझे, और उसके बाद मैं इसमें दूसरी साइड में पनीर को फ्राई कर ले रही हूँ, तवे पे ही सेक ले रही हूँ, क्योंकि इस पर मैं चीला बनाई थी ना तो मैं वॉश कर ली थी, और ये मैं भूल गई थी पनीर को भूनना, तो मैं तवे पे कर ले रही हूँ हल्का सा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छे दूसरी साइड में अभी भून रहा मसाला,
तो हो जाएगा। तब तक इसके बाद ये भी भुन चुका था और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ, देन शिमला मिर्च और जो प्याज था उसके बाद पनीर को ऐड कर दूँगी। बस तैयार हो गया मेरी कढ़ाई पनीर। ऊपर से आप इस पर डाल सकते हो कसूरी मेथी भी, थोड़ा सा बटर डाल सकते हो। तो बस रेडी हो चुका है, यमी बने हैं, आप लोग भी खा लेना। और डिनर के लिए सब्ज़ी तो रेडी हो चुकी है मेरी, तो आप इसकी ग्रेवी देख सकते हो। इतना ही हम खाते हैं तो इसलिए इतना ही रखती हूं। तो इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करी थी, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करी थी, बट मुझे एडिटिंग का टाइम ऐसा कुछ लगा कि मुझे शेयर नहीं करूँ आप लोगों से, उस बात को बस छोड़ दो, तो मैंने बस इस यहाँ पर म्यूट कर दिया था। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।